तो व्यूअर्स, हमारे मिस्त्रियों के काम चेक करें जी, इस साइड में जहाँ पे पानी जाना चाहिए था वहाँ पे ऊंचा कर दिया है, और जहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए था वहाँ से इन्होंने नीचे ठलार बना दिए। देखें जी, इधर खाना बनाना भी वो नाश्ता बनाना मुश्किल हो रहा है, सोचा था वहाँ पर बनाएंगे अब आसानी से, लेकिन फिर चूल्हा जी वहाँ से उठा कर इधर रखना पड़ा है। ये है जी मलाइका का नाश्ता। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैर खरीत से हैं, उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैर खरीत से हो। सुबह का सुबह हो चुकी है जी, और सुबह के हो चुके हैं जी 8, तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह सुबह के 6 हुए, क्योंकि बादल बने हुए, बारिश भी आई है जी। और ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है और थोड़ा थोड़ा जी खुश्क भी हो चुका है। तो अभी बस आज भी जी हम आपके साथ वही अभी काम की रूटीन जो है सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नीचे पड़ा हुआ है। वो मज़दूर भाई को बोला था कि वो आए, लेकिन वो रात को नहीं आया, क्योंकि उसी ने बोला था कि मैं जो भारी सामान है वो ऊपर रख दूँगा। छोटा मोटा सामान जी हमने मिलजुल कर ऊपर रख लिया है, तो अभी जी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है नीचे, उसकी सेटिंग करने वाली है। तो थोड़ी थोड़ी जो सेटिंग की थी वो कल हमने आपके साथ जी शेयर कर ली थी, तो आज भी जी जो जो करेंगे वो आपके साथ जी शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले फिर आपको दिखा देते हैं जी मौसम। ये देखें जी मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है, बादल बने हुए हैं, धूप का नमो निशान नहीं है। यहाँ पे जी ये मोजे हैं कि यहाँ पे बादल बने रहते हैं। बाजी देखें जी, बाजी भी साथ है मेरे ऊपर ही। पिछले घर में, पुराने घर में इस वक्त धूप निकली होती थी, और वहाँ पर आज भी धूप ही निकली है, क्योंकि हम फ़ोन करते रहते हैं, तो उधर से हमें यही पता चला है कि वहाँ पे धूप ही निकली हुई है। बहुत ही गर्मी होती है ना जी उस साइड पे, सरगोधा वाली साइड पे, भेरा वाली साइड पे गर्मी होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हम गर्मी से कुछ बच गए हैं। मज़ा तो बड़ा आता था, लेकिन फिर भी शुक्र किया है कि जो बाकी का एक मंथ है वो आराम से गुजर जाएगा। ये देखें जी, चारपाइयाँ हमने इधर लगा दी हैं, और ये वाली चारपाइयाँ इधर रखी हुई हैं, यहाँ पर अगर बारिश हो तो यहाँ पे बंदा बैठ सकता है। और ये एयर कूलर जो था जी वो हमने इधर लगा दिया है फ़िलहाल, क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं थी। और यहाँ से जी आपको खूबसूरत मौसम दिखा देते हैं। ये देखिए जी हरियाली, ये देखिए जी माशाल्लाह बारिश, ये देखिए यहाँ से छत से आपको पानी नज़र आ रहा होगा हमारे हमसायों की छत से। और ये देखें जी सामने जो चावलों की पनीरी है वह बड़ी बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह। ये देखें जी सब्ज़ा ही सब्ज़ा, सब्ज़ा ही सब्ज़ा माशाल्लाह। ये देखिए ये जन्नत कश्मीर है जी यहाँ पे हमारे घर के पास ही। ये देखिए माशाल्लाह हर तरफ जी सब्ज़ा सब्ज़ा हो चुका है जी हमारे आने तक। अभी जी बादल बने हुए हैं ऊपर, और अभी बाजी कह रही हैं सुबह तौसीफ़ की जी मैंने रोटी बनाई है, नाश्ता बनाया है बाजी ने सुबह उठकर, लेकिन बाद में पता चला है कि आज संडे है तो तसीफ को छुट्टी है। तो वो अभी सोया हुआ है, तो बाजी को पता नहीं था, क्योंकि बाजी को इधर की रूटीन का पता नहीं है। तो फिर बाजी ने सिर्फ दो ही रोटियां बनाई हैं, बाकी कहते हैं जब सारे उठेंगे तो फिर हम बनाएंगे, क्योंकि बारिश का पानी देखें जी अभी खड़ा है, तो बारिश में सारे जी आराम से सोए हुए हैं। तो चलो जब उठते हैं जी तो फिर आपके साथ जी फिर बाकी की रूटीन शेयर करते हैं। और ये देखिए जी यहाँ पर जी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये मेरे ख्याल में जी आज सारा दिन बारिश ही होगी। बादल अभी बने हुए हैं जी, बहुत प्यारा मौसम है जी, बहुत तेज़ी से जी हवा चल रही है जी। तौसीफ आ गया है, तौसीफ आज काम से छुट्टी है, आज मौसम इंजॉय करने आया है छत के ऊपर, है ना, आज नहाना नहीं है। ये देखिए जी बारिश है ना, बारिश में जी बहुत अच्छा लग रहा है। बस बारिश हो रही है जी, और मैं छत पे जा रही हूँ, तो सीफ छत पे चला गया जी, क्योंकि छत पे जी मिस्त्रियों ने पता नहीं क्या किया है, पानी जो है वो एक साइड पे खड़ा हो जाता है, तो अब कुछ जी करने लगे हैं, पानी जो है वो फिलहाल नीचे आ जाए, यहाँ से नीचे गिर जाए। ये देखिए जी यहाँ पे दरिया बना हुआ है जी, ये देखो पानी कितना जी ज़्यादा, बारिश तेज आती है तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता बहुत ज़्यादा। अब तो सीख कह रहा है यहाँ से वो निकाल देते हैं एक ईंट ताकि जी पानी नीचे आ जाए। ये वाली जी एक ईंट निकाल देते हैं फिलहाल, मिस्त्री को मैंने बुलाया है, वो कह रहा है जी मैं फारग नहीं हूँ जिसने ये काम किया हो, तो फिलहाल फिर हम ये जी यहाँ से एक ईंट निकालते हैं ताकि सारा पानी जो है उधर वाला इधर आ जाए।
और ये देखें जी ऊपर से जी आपको हम दिखाते हैं नए घर से, ये देखिए माशाल्लाह जी बहुत प्यारा मौसम, बारिश हो रही है और सब्जा ही सब्जा है। और इधर जी ये तो सेब खड़ा है, आम की भी बारिश तेज हो गई है और बारिश में जी ये काम हो रहा है अब। और ये देखें जी बाजी ऊपर ही है, मैं जी नीचे आई हूँ, मोबाइल गीला ना हो जाए। बारिश देखें जी तेज हो गई है, और तुसी बारिश में जी काम कर रहा है, बारिश बाजी आ गई है जी नीचे उसकी शर्ट लेकर, बारिश तेज हो गई है ना। ये देखें जी बारिश तेज़ होती जा रही है और यहाँ से जी पानी आना स्टार्ट हो गया नीचे। यहाँ भी जी मिस्त्री को बोला है पाइप लगा दे, इस तरह जी पानी सही इसके अंदर जाएगी। ये भी काम ठीक करवाने हैं, अब आ गए हैं जी ये वाले काम सही करवा देते हैं। बारिश यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा होती है, उधर अंधेरा में बहुत कम बारिश होती थी। ये देखें जी सुराख हो गए, तो यहाँ से जी सारा पानी जो है वो ऐसा ऐसा आ जाएगा जी, इधर शुक्र है जी पानी यहाँ पे आ जाएगा। फिर करते हैं जी कुछ इसका, चले नीचे, बारिश तेज़ हो गई है जी। हम नीचे आ गए हैं, पानी का निकास जी हो गया है, तो सीफ ने जी ये कर दिया है जी, शुक्र है जी ये वाला काम हल हो गया। और ये देखें जी बारिश कितनी तेज़ होती जा रही है, ऐसा ऐसा पानी इधर इतना ज़्यादा खड़ा हो गया है, तो सीफ आ गया जी इधर। और ये देखें इधर से भी जी पानी जो है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्लस्तर नहीं हुआ, अभी ये जी इतनी जल्दी नहीं होगा इसमें, क्योंकि अभी बहुत से पैसे हमने पुराने घर में लगाए हैं, तो अभी कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये वाला प्लस्तर वाला सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो फिर यहाँ से बारिश आना कम हो जाएगी, बल्कि बंद हो जाएगी जी, बिल्कुल इधर नहीं आएगी। यहाँ ही जी हम बैठे हुए थे सुबह के, तो ये देखें जी बारिश तेज़ होती जा रही है। नाश्ता वगैरह नहीं करना बाजी, चलो सही है, अरे सारे सुते अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो निकाल देते हैं। उधर तोसीफ जो है वो बारिश में नहा रहे हैं, और आज मुझे जी वीडियो ख़ुद बनानी पड़ रही है, क्योंकि कैमरा मैन जो बिज़ी है, तो इसलिए जी मैंने ये शॉट डालने हैं, वरना वो मेरे ये शॉट डालता है जी कैमरा मैन, क्योंकि ये वाला काम हमने लाजमी करना होता है। पानी इधर टैंकी या खड़ा हो जाता है, वहाँ से जी नीचे जाता है, पता नहीं कहाँ से जाता है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो सी यहाँ से खड़ा है, अभी चेक आ रहा है तो पानी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी कह रहा है अभी पानी ऊपर से आना स्टार्ट हो गया जी, शुक्र है जी। तो अभी बस हमारे मिस्त्रियों के काम चेक करें जी, इस साइड पे जहाँ पे पानी जाना चाहिए था वहाँ पे पूछा कर दिया है, और जहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए था वहाँ से इन्होंने नीचे ठलार बना दिए। अब ये एक और मसला जी हमारे लिए खड़ा हो गया, पानी हम नीचे से निकाला करते थे, अब ऊपर से भी जी निकालना पड़ा करेगा। तो मैं ले आई जी झाड़ू, तो जल्दी जल्दी जहाँ से पानी, बारिश तेज है, बारिश तेज होती जा रही है। इधर तो सीख ने जी ये कर दिया, लिबास बना दिया है, जहाँ से पानी नीचे जाए। मिस्त्री को जी मैंने बुलाया है, मिस्त्री कह रहा है जी मैं दो दिन के बाद आऊँगा, तो फिर आज मैंने सोचा यहाँ से सुराख करके पानी को जी नीचे कर दे। उधर के जी हमने काम ख़त्म किए शुक्र करके, और इधर नया मसले जी हमारे लिए फिर खड़े हो गए। फिर निकलना स्टार्ट हो गया है, बारिश तेज़ हो गई है, तो फिर नीचे चलते हैं, तो सी मेरे घर में अभी नहाएगा है। घर आते ही जी देखिए बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, और वहाँ पे जी बहुत कम बारिश होती है, तकरीबन 15 दिन के बाद होती थी।
पानी से सारा कुछ कर रही है, बारिश जैसे इतनी तेज हो गई है, इस लगातार बारिश हो रही है जी, लगातार बारिश हो रही है, तो अब बारिश रुकेगी तो फिर जी यहाँ से जितना पानी ऊपर और नीचे खड़ा फिर हम निकाल देंगे। अभी तो हाल ही नहीं है जी, अभी तो बारिश में जाते हैं तो फिर अगला पानी खुश करते हैं तो फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो विवाद हम आ चुके हैं जी नीचे वाले पोर्शन में और ये देखिए जी यहाँ पे बारिश का नामो निशान भी नहीं है, हालांकि साइडों पर मतलब धार बारिश हो रही है और यहाँ पे एक कतरा भी नहीं आया बारिश, क्योंकि तो बारिश इस साइड की है, इस साइड की होती तो सारा बारिश खिड़कियों पर इधर पानी भी सारा आना था, लेकिन देखिए जी पानी इस तरह जा रहा है और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ देखिए जी बिल्कुल भी पानी का नामो निशान नहीं है, वहाँ देखो पानी आ चुकी है जी और बारिश अभी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो सोचा क्यों ना जी कोई ना कोई पाँव साफ कर दिया जाए, क्योंकि अभी पाँव धो जाते करने वाले हैं। और ये जी हमारे जो बर्तन जब हम गए थे बाहर वाला जो हमारा बाहर वाला डिब्बा था उसको हसबैंड साहब ने ठीक मान लिया है, ये सारा सामान हम बाहर रखने लगे और उसके अंदर हम वो तरतीब से रख रहे हैं। ये देखिए चारपाई में सारे लोग इधर आकर फिर ये जो खाने पड़े हुए इनके अंदर ये सामान सारा बिखेर कर और ये देखें जी ये हमारे खाने जो थे जो बनवाए थे यही टूटे थे जी, ये देखें जी ये हबीब साहब ने नीचे ये मजबूती का काम करवा दिया, अब बाजी सारे खानों में जी शीट डालकर तो ये वाले जो तमाम बर्तन हैं जी इसको हम मिलकर जी जोड़ देंगे, पकड़ाते जाते हैं बाजी जोड़ती जाती है। देखिए जी ये बर्तन यहाँ पे थोड़े से लगा दिए हैं और इधर भी देखिए जी बर्तन थोड़े से लग चुके हैं, ये थोड़े से रह गए हैं तो बस ये जी फिर हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे ख्याल में नाश्ता बनेगा बाजी। हाँ जी ये देखें जी 12 हो चुके हैं इधर पूरे 12 हो गए, ये देख अभी कुछ भी नहीं जी हमने सुबह का खाया, बाजी मीना ने नाश्ता कर लिया ना, क्योंकि बाजी को जी पीछे से बाजी मेरे हल में जल्दी जल्दी नाश्ता करती रही है, जब हम जी वहाँ थे तो बाजी मेरे हल में जी टाइम से नाश्ता कर लेती थी। बाजी ने दो रोटियां बनाई थी, उन्होंने सोचा तोसीफ ने काम पे जाना है, लेकिन पता चला कि वो संडे आए तोसीफ ने काम पे नहीं जाना, भाई फिर रोटियाँ मेरे हल में बाजी ने खा लिया नाश्ता कर लिया। और यहाँ पे जी बाजी करने लगे नाश्ते की तैयारी, और यहाँ पे जी थोड़ा सा भी आकर पता चला है ये मसला भी जी खड़ा हो गया, यहाँ से ऊपर से जी कहीं से पानी आ रहा है तो सीमट लगवाना पड़ेगा जी, मिस्त्री आता है तो उसे वहाँ पे सीमट उस तरफ से लगवाते हैं, तो बाजी कह रही है इधर पानी रख दिए हैं क्योंकि नीचे भी सामान पड़ा हुआ है, तो आज तो बहुत ही जी ख़तरनाक बातें मिल रही हैं ना, बदल रुकता ही नहीं पाया जी, क्योंकि पूरे एक मंथ के बाद आए हैं हमें पता ही नहीं है ना जी, हमें हबीब साहब ने बुलाया तो वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी उन्होंने, मिस्त्री आता है तो फिर ये वाला भी जी काम सही होगा और ऊपर वाला भी जी सही होगा। चलो जी फिलहाल चूल्हा इधर कर लिया, बाजी नाश्ता बनाने लगी है, तो फिर बाजी बनाई थी पराठे, नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू करनी है, तो ये बाजी ने रात को दही लगाई है बहुत अच्छे के बाद, तो देखिए जी बाजी से सही दही नहीं जमा, शायद खटा ज़्यादा डाला है कम डाला समझ नहीं आई, पानी ऊपर टॉपर और दूध भी ऊपर है पानी नीचे अलग हो गया, तो फिलहाल इसकी जी हम बना लेते हैं लस्सी, ठीक है। तो भी बस ये थी नेटर डाला था ताकि यहाँ पे जो पानी ना आए,
तो हमारे लिए आसानी हो जाए, लेकिन देखें वही मेरे ख्याल में हमें आज उन्हीं मसाइल का दोबारा से सामना हुआ है। तो एक मंथ के बाद ही आए हैं तो पता चला है कि यहाँ से फिर वही मसला पानी आ रहा है, ऊपर छत पे भी पानी पड़ रहा है, घर आते ही बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता काम होंगे, क्योंकि यकदम भी अभी तो हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करें। तो फिलहाल जी देखें जी इधर खाना बनाना भी वो नाश्ता बनाना मुश्किल हो रहा है, सोचा था वहाँ पर बनाएंगे अब आसानी से, लेकिन फिर चूल्हा जी वहाँ से उठा कर इधर रखना पड़ा है। तो चलिए कोई बात नहीं जी, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह घर आ गए तो इंशाल्लाह सारे काम भी अब अच्छे हो जाएंगे। और ये देखिए जी बाजी ने चीनी में लौंग डाले हुए हैं ताकि इसमें जी चींटियां ना आ जाएं। बारिश तो बड़ी बारिश हो रही है, इसलिए तो हम लेटे हुए थे काफी देर से। हाँ, अभी नहा लेते हैं, अभी बारिश आया था। आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है बारिश है। और तोसीब ने वो ऊपर छत में जो बना हुआ पानी खड़ा था ना वो सारा सुराख किया, पानी नीचे चला गया। और ये देखिए ये आपने हमें फोन करके बताया नहीं कि इधर भी पानी खड़ा हो गया, ये जो प्लस तो होगा तो ठीक होगा। हाँ ये प्लस करवा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ठीक हो जाएगा। तो नाश्ता बंद है तो आप चल के बैठे नाश्ता, चाय बनानी है और यहाँ पे जी बनाएंगे थोड़ी सी चाय, क्योंकि हबीब साहब कह रहे हैं जी मैंने चाय पीनी है और थोड़ी सी लस्सी भी पीनी है। ये जी सालन गर्म हो गया, रात वाला पालक और चिकन वाला, बच्चों के जी साथ साथ पराठे खाने, बच्चे कह रहे हैं साथ साथ ना गर्मा गर्म दे दे बन रही है जी, और सालन डाल देते हैं। ये है जी मलाइका का नाश्ता, और ये है जी तौसीफ का नाश्ता। और ये है जी इरमा का नाश्ता, और इरमा का जी अंडा भी बनाना है, इरमा का भी मैंने अंडा भी लेना है। और ये है जी इरमा का नाश्ता, लो जी इरमा। तो भी बस ये है जी मेरा नाश्ता और ये साथ लस्सी है, बच्चे नाश्ता लेकर जो साइड पे चले गए हैं, और अभी हबीब साहब का जी नाश्ता बना नहीं है, अस बनता है तो उनको भी देते हैं, वो उधर बैठ गए थे जाकर जा रही है। और ये जी मैंने दो बंदों की चाय डाली है, एक मलाइका की और एक बुशरा की, तो बाकी की चाय जी रिक्शा के लिए मैं और बाकी जी लस्सी दिया है। और ये है जी आखिरी पराठा बाजी का, बाजी बस ले आगे जी नाश्ता करने वाले बाकी साहब ने कर लिया। और ये है जी हबीब साहब का नाश्ता, सालन चाय पराठा। बारिश रुक गई है जी, बहुत ही जी प्यारा मौसम हो गया, क्या पता जी अभी धूप निकल आए। ये देख जी मतला साफ हो रहा है और बादल उड़ रहे हैं जी, और सूरज निकले कि यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और इधर जी हबीब साहब बैठ गया जी नाश्ता करने, बाजी उधर लेटी हुई हैं जी, और यहाँ पे जी बाजी कर रही हैं जी अपना नाश्ता, ये सालन और ये पराठा और लस्सी भी साथ ले ले हैं। ये है जी बाजी की लस्सी, और
ये है जी हबीब साहब की लस्सी। नाश्ता वगैरह जी हमने कर लिया और ये सामने से सारी चीज़ें हटाएंगे क्योंकि मिस्त्री वो जो मज़दूर भाई है जिसने हमें सामान उठवाना है वो आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें साइड पे करते हैं। और इधर जी ये भतीजी जो है वो बर्तन धो रही है, तो जल्दी जल्दी जी ऊपर वाला काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जी ये वाला जी सामान जो है हम हटाने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे का सामान मज़दूर भाई आएगा तो वो रखेगा। मैं और बाजी जी मिलकर ये वाला, बाजी आप उठा लें, मैं भी सारे मिलकर जी ये वाला सामान हटाते हैं। और यहाँ पर बेड को जी हम इस साइड पे करेंगे, ये वाला सामान इधर रखेंगे जी। और ये देखिए जी अंदर से हमने सारा सामान निकाल लिया, ये गद्दे और ये टेबलें वगैरह जी। मजदूर भाई आ गए, ये वाली जगह जी साफ कर ली है और ये जो बेड है ये साइड पे कर लिया। यहाँ से जी झाड़ू लगा लिया, तो ये कूड़ा उठा लेते हैं। और ये शोकेस और सिंगार मेज इधर रखेंगे क्योंकि ये जी तौसीफ का सामान आ रहा है, तौसीफ की मंगेतर का, तो वो यहाँ पे जी हम लाकर रखते हैं सामान। और ये आ गए हैं जी भाई, अब ये सामान जी ऊपर जाएगा, अब देखते हैं जी किस तरह ऊपर जाता है। हाँ जी पहलवान जी इनका नाम है, इनको पहलवान कहते हैं। ये अपनी पहलवानी दिखाई। पेटी उधर आकर और ये बक्स उधर आकर जी रास्ता साफ करते हैं। वो फिर भाई कह रहे हैं कि ये वाला सामान ऊपर जाएगा। खाली हो गया थोड़ा काम, अब ये जगह साफ हो गई है, अब ये वाला साफ, अब ये सामान आसानी से ऊपर चला जाएगा। और ये जी अब सामान लेकर ऊपर जा रहे हैं। ये इसी स्टैंड इधर रख दिया। और ये देखिए जी ये शो केस इधर रखा है, बेड इधर साफ कर दिया और जहाँ पे हम रखेंगे जी शीशा। और ये जी शीशा जो है वो इधर रख लेते हैं, उस कमरे में सेट नहीं हो रहा। ये देखिए जी सारा सामान आ गया जी, इस कुछ इस रूम में रखा है, कुछ दूसरे रूम में, और कुछ इधर बाहर पड़ा हुआ है और कुछ इधर है जी। अभी तो सारा सामान बिखरा हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता जी इसको ठीक करते हैं। तो व्यूअर्स सारा जी सामान नीचे से ऊपर आ चुका है और बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर जी बिखरा हुआ है, उस साइड में भी जी पड़ा हुआ है, कमरों में भी जी पड़ा हुआ है। अब सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की जी सेटिंग की जाए, तो ये इतना आसान नहीं है, तो ये आराम आराम से होगा। और आज जी हमने अभी खाना भी बनाना है, तो फिर आज हम अपनी वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि 3 बज चुके हैं जी। तो सुबह से जो बारिश हो रही थी जी वो अभी भी रुकी है, तो नाश्ता वगैरह तो सबने कर दिया, लेट ही किया 12 बजे बारिश की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी, गीली थी, तो इस वजह से सोचा जब सारे उठेंगे तो फिर आराम से बना लेंगे। तो भी बस अभी वीडियो का एंड करेंगे और उम्मीद है कि आपको आज की भी जी हमारी रूटीन और शेयरिंग ज़रूर पसंद आएगी।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और हमारे जितने बहन भाई दोस्त हम आपको वीडियो को वॉच करते हैं और जो नहीं भी करते सबके रिजक में अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इजाज़त ले लें फिर। हाँ जी, हबीब साहब नीचे चले गए हैं और मजदूर भाई जिन्होंने सामान ऊपर जी हमें ये रख के दिया वो भी जी सारे चले गए हैं, कुछ हमारे मोहल्ले के भी जी दो तीन बंदे थे। तो इजाज़त दीजिए जी, खुदा हाफिज़।